हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज आकाश विजयन और आज है 31 दिसंबर 2020। ठीक है, न्यू ईयर ईव, कल आपका न्यू ईयर आ जाएगा। 2021 में हम कल अपनी पहली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहले बाकी एक बार कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, तो सबसे पहले न्यू ईयर ईव की आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, सारे लोग ट्राई करो कि ये साल का आखिरी दिन आपके लिए मेमोरेबल हो। ठीक है, 2020 सबके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं गया। ठीक है, बस छोटे बच्चों को छोड़ के, भी छोटे बच्चों के तो स्कूल बंद हो गए थे, छोटे बच्चों ने बहुत एंजॉय करा। ठीक है, क्योंकि उनको कुछ पता था नहीं है इस बारे में। तो आप लोग ट्राई करो कि अपने इस साल के लास्ट डे को थोड़ा मेमोरेबल बना सको। ठीक है, बाकी कल से नई शुरुआत डेफिनेटली हो जाएगी। तो पहला आर्टिकल है फार्मर्स सेंटर रीच एग्रीमेंट ऑन टू इशूज। ठीक है, आपको पता है फार्मर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक स्टेलमेट चल रहा था। ठीक है, एजिटेशन जो है फार्मर्स लगातार कर रहे थे, जो आपके 3 एक्ट तो पास किए गए हैं। ठीक है, उनके संदर्भ में जो है आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो कल जो है आपकी बातचीत की गई। ठीक है, फार्मर्स लीडर्स आपके जुड़े और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लीडर जुड़े। ठीक है, उनके बीच में बातचीत की गई, जिसमें जो है दो ऐसे टॉपिक्स थे जिन पे जो है उनका एग्रीमेंट हो गया, उनकी सहमति बन गई। ठीक है, अब वो आपके दो टॉपिक हैं, वो आपके हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्टबल बर्निंग एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ पावर सब्सिडीज। ठीक है, तो आपको पता है स्टबल बर्निंग जो पराल जो जलाई जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम दिल्ली NCR में काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिल जाता है दिवाली के आसपास। ठीक है, एक फॉग की एक लेयर सी बन जाती है, जो मतलब धूप भी नहीं निकलती, ठंडा हो जाता है। ठीक है, बहुत जो खराब हालत जो है दिल्ली में उस वक्त बन जाती है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है एक ऐसा लॉ लाया गया था जिसको जो है क्रिमिनलाइज कर दिया गया था स्टेबल बनने को। मतलब जो भी जो है पराल को जलाएगा उसको जो है जेल में डाल दिया जाएगा, एक क्राइम उसको बना दिया था। ठीक है, तो उसको जो है हटाने के लिए जो है सहमति बन गई है। और दूसरा जो आपका है वो आपका है पावर सब्सिडीज। ठीक है, मतलब जो आपकी जो बिजली होती है, ठीक है, बिजली में आपको सब्सिडीज देने की बात की गई है, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ताकि फार्मर्स जो है वो आसानी से इरिगेशन कर सकें, ठीक है, ट्यूबवेल चला सकें और आराम से जो है सिंचाई कर सकें अपने खेतों की। ठीक है, तो दो इन टॉपिक्स पे जो है सरकार की सहमति हो गई है किसानों के साथ। ठीक है, और लेकिन दो टॉपिक अभी भी ऐसे बचते हैं जहाँ पर डेडलॉक अभी भी बना हुआ है। ठीक है, वो दो टॉपिक आपके हैं MSP से रिलेटेड, कि आप जो है लीगल गारंटी जो है MSP को प्रोवाइड कीजिए ताकि कोई इसको हमसे लेना सके। और सेकेंड आपका है वो है आपका कि जो आपके फार्म लॉज है, 3 फार्म लॉज जो आपके हैं, ठीक है, उनको जो है आप पूरी तरीके से रिपील कर दीजिए, पूरी तरीके से उनको हटा दीजिए। ठीक है, हमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमें जो है पूरे तरीके से उनको हटा दीजिए, ऐसा फार्मर्स का कहना है। तो इन दो टॉपिक्स पे जो है अभी भी इनकी इनका एग्रीमेंट जो है नहीं बन पाया, कंक्लूजन जो है नहीं निकल पाया। ठीक है, तो आपके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका कहना है कि जो है एक कोडियल एटमोसफेयर में रहते हुए जो है हमने 50% इशूज को हमने सॉल्व किया। 50% वो किस वजह से कह रहे हैं, आपके 4 इशूज है टोटल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, देन आपका स्टेबल बर्निंग से रिलेटेड, बाकी का आपका एक MSP और एक आपका रिपीलमेंट ऑफ दी 3 फार्म लॉज। ठीक है, दो में से दो पे जो है आपकी तो आपकी जो है सहमति बन चुकी है और दो पे सहमति नहीं बनी है, इसी वजह से क्या किया 50% इसको कहा गया। ठीक है, और देन इन इन अ शो ऑफ गुडविल आपके जो मिनिस्टर्स है, ठीक है, पीयूष गोयल जी, सोम प्रकाश और देन आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, उन लोगों ने क्या फार्मर्स के साथ लंच भी किया। ठीक है, उन सब उन्होंने खाना भी खाया। ठीक है, तो यही आपका इस वाला आर्टिकल मतलब। देन आपका नेक्स्ट है सेपरेटिंग द व्हीट फ्रॉम द एग्री पॉलिसी चाफ। ठीक है, तो ये आपका एक एडिटोरियल है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके कुछ जो हमारे देश में जो फार्मिंग जो फार्मर्स की जो फार्मर कम्युनिटी की जो स्थिति है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इन द ऑनगोइंग डिबेट्स अराउंड द 3 न्यू पीसेस ऑफ एग्रीकल्चरल लेजिस्लेशन एंड द फार्मर्स डिमांड फॉर कंटिन्यूशन ऑफ MSP, क्वेश्चंस हैव ऑफन बीन रेज्ड वेदर द गवर्नमेंट शुड बी यूजिंग द टैक्स पेयर्स मनी टू प्रोवाइड सब्सिडीज टू द फार्मिंग कम्युनिटी इन दिस कंट्री। ठीक है, तो MSP को रिलेटेड जो है आपकी बातचीत जो है जो आपकी जो बहस है वो छिड़ी हुई है इस वक्त। जो आपके फार्मर्स कह रहे हैं कि हमें जो है एक लीगल गारंटी चाहिए MSP की। ठीक है, और तो अब क्या है कि क्या क्वेश्चन के लिए उन्होंने कहा है, जो हमारे राइटर उन्होंने क्या कहा है कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाना चाहिए कि जो इस देश में जो टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है, जो जो सरकार को टैक्स देते हैं, ठीक है, जो जनता जो सरकार को टैक्स देती है, क्या उस टैक्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट को किसानों को सब्सिडी देने के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस पर थोड़ा वो बताएंगे, सब्सिडी से रिलेटेड हमारी बातचीत इस बारे में होगी। ठीक है, तो वो देखेंगे। और दो क्वेश्चन जो इस संदर्भ में हमारे दिमाग में उठने चाहिए वो आपके हैं, व्हाई हैव सक्सेसिव गवर्नमेंट्स यूज द एक्सचेकर टू प्रोवाइड फार्म सब्सिडीज, की जो आपके अभी तक सरकारें आती हैं वो क्यों सरकार वो क्यों टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल करके जो है फार्मर्स को सब्सिडीज देती हैं। ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठना चाहिए वो है आपका कि जो सब्सिडी भारत में प्रोवाइड की जाती है, जो सब्सिडी इंडिया में फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, वो अगर हम बाकी के देशों से कंपेयर करें तो क्या वो निकल के आता है। ठीक है,
सबसे पहले मैंने ट्रेड की बात की है कि अगर हम हमारे देश में एग्रीकल्चर ट्रेड की बात करें, ठीक है, तो वो कैसा रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने बात की है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जो है जीडीपी और वर्कफोर्स का जो रेशियो है वो बताया है उन्होंने, कि जो अब अगर हम 1950 की बात करें, जो हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है, जबकि अगर हम बात करें तो उस वक्त जो है जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर था वो था आपका 45%, ठीक है, और जिसमें आपकी वर्कफोर्स का जो आपका शेयर था एग्रीकल्चर से जैसे वर्कफोर्स का, ठीक है, वो था आपका 70%। लेकिन अब आज से 7 दशक बाद, ठीक है, अब जो आपका जो जीडीपी में शेयर फार्मर्स का हो चुका है, एग्रीकल्चर का जो हो चुका है, वो आपका हो चुका है, वो आपको हो चुका है 16% का। और वहीं जो आपका वर्कफोर्स की अगर हम बात करें, तो 50% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो है वो आपकी इस सेक्टर में आपके जो है इन्वॉल्व है, ठीक है, इस सेक्टर में एंगेज्ड है। ठीक है, तो आगे करते हैं। Erosion of farm incomes was triggered by growing inefficiencies, which in turn was caused by lack of meaningful investment in agriculture. ठीक है, सबको पता है कि जो हमारे देश में किसान है उनकी जो इनकम्स है, ठीक है, उनकी जो कमाई है वो इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, वो ग्रो नहीं कर रही है इतनी ज्यादा, ठीक है, तो लगातार उसमें हमें कभी देखने को हमें मिल रही है, ठीक है, तो और वो ऐसा हुआ है क्यों, क्योंकि इनएफिशियंसीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर में हमारे देश में इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो वो अब वो आपका इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है वो हम बात करते हैं, ठीक है, और क्या इन्वेस्टमेंट का क्या जो है आपका रहा है पूरा एक पूरी क्वांटिटी, ठीक है, उसको हम बात करते हैं एक बार। द शेयर ऑफ दिस सेक्टर इन द टोटल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन इन द कंट्री कंसिस्टेंटली फेल फ्रॉम अबाउट 18% इन द 1950s टू जस्ट अबाउट 11%, ठीक है, हमारे देश में जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो 1950s में जो आया करती थी, ठीक है, तो उस टोटल इन्वेस्टमेंट का 18% जो शेयर था वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में था, ठीक है, वहीं अगर हम आगे 1980s की तरफ बढ़े, ठीक है, तो वो जो आपका शेयर था वो आपका घटकर हो गया 11%, ठीक है, और अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जो आपका शेयर है ये आपका डबल डिजिट में भी नहीं है, सिंगल डिजिट में ही आ चुका है, मतलब 10 से भी नीचे नीचे जो है, मतलब 1 से लेकर 9 तक का जो शेयर है वो उसमें रह चुका है, ठीक है, आगे मैं आपको शेयर बताऊंगा कि कितना शेयर जो है एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा डिजिट, ठीक है, तो जो मोस्ट रिसेंट डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग जो है शेयर है वो आपका है 7.6%, ठीक है, तो देख लीजिए आप सिंगल डिजिट ये है, ठीक है, अब ठीक है 7.6% ये हमारा हो चुका है, ठीक है, डबल डिजिट को मत समझना क्योंकि पॉइंट लगा रखा है ना बीच में यार, ये सबको समझ में से आ ही गया होगा, इसमें तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। हाउएवर डिस्पाइट दिस अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन एवरी गवर्नमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया सिस्टमेटिकली इग्नोर द नीड टू स्टेप अप इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये बात देख लीजिए सबको पता चल गई, ठीक है, मोस्टली हमारे देश में जो हमारी गवर्नमेंट है उनको तो पता रहेगी क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, उनके पास रिपोर्ट्स काफी ज्यादा बड़े अच्छे अमाउंट में जो है मौजूदा रहती हैं, ठीक है, तो उनके पास पूरा डाटा रहता है, तो ये सब पता होने के बावजूद भी सरकार ने इग्नोर जो है लगातार किया है इस बात को, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, ठीक है, और यही कारण जो है हमारा रहा है कि हम जो है किसानों की आय को किसानों की कमाई को बढ़ाने में असमर्थ रहे हैं, ठीक है। देन एक बार यील्ड की बात करते हैं कि जो हमारे देश में जो यील्ड रहता है वो कितना रहता है, ठीक है, उसको एक बार हम ग्लोबल बेसिस पे कंपैरिजन करके देखेंगे उसका, ठीक है, अ क्विक कंपैरिजन ऑफ द यील्ड्स ऑफ द मेजर क्रॉप्स इन इंडिया विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज कंफर्म्स द डिसमल स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन दिस कंट्री, अगर हम बाकी देशों के साथ अगर हम यील्ड्स का कंपैरिजन करेंगे हमारे देश में, तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर की जो कृषि की जो हमारे देश में स्थिति है वो काफी खराब है, ठीक है, इफ वन रैंक कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर यील्ड्स इन इन व्हीट एंड राइस द कंट्रीज रैंक्स वर 45 एंड 59 रिस्पेक्टिवली इन 2019, ठीक है, अगर हम व्हीट और राइस की बात करें, ठीक है, आपको पता है व्हीट और राइस जो है हमारे देश की दो मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनके अगर हम उनके टर्म्स में बात करें, ठीक है, तो जो हमारी रैंक आती है ना पूरी दुनिया में वो हमारी आती है व्हीट के अगेंस्ट में 45 और राइस के अगेंस्ट में 59, ठीक है, मतलब देख रहे कितनी पीछे हम आते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी जो है हम कितनी पीछे आ रहे हैं, ठीक है, तो कितनी ज्यादा जो है एक हमारे लिए फेलियर है ये, ठीक है, इट मे ऑल्सो बी एडेड दैट दैट दिस रैंकिंग वुड गो डाउन शार्पली इफ द एरिया रिकॉर्डिंग हाई यील्ड सच एज पंजाब एंड हरियाणा आर एक्सक्लूडेड, ठीक है, और अगर हम इसमें से अगर हम पंजाब और हरियाणा के स्टेट्स में से जो हमारी प्रोडक्शन होती है अगर हम उनको डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो जो है ये रैंकिंग आपकी और भी ज्यादा गिर जाएगी, ठीक है, तो ये भी देख लीजिए मतलब आपकी जो यील्ड की जो हालत है हमारे देश में जो स्थिति है वो इतनी अच्छी अभी है नहीं, ठीक है। देन आपका है नीड फॉर अ पॉलिसी, ठीक
मतलब इसी आपका इसी वाले आर्टिकल का आपका ये पार्ट, इट इज नो ब्रेनर दैट सच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू एड हॉक डिसीजन। ठीक है, तो ये जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कहीं ना कहीं हम जो एक अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगर हम बनाएंगे तो ही इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, किसी टेम्प्रेरी प्रोविजन के बेसिस पे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक पॉलिसी का डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और जो सारे चैलेंजेस को जो है एड्रेस करे। सरप्राइजिंगली द डिमांड फॉर सच अ पॉलिसी हैज सेल्डम बीन मेड इन फोर्थराइट मैनर। ठीक है, तो लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो डिमांड इस पॉलिसी के लिए है हमारे देश में वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, फार्मर कम्युनिटीज ने भी जो है फार्मिंग कम्युनिटीज ने भी जो है इतने अच्छे अमाउंट में इसकी डिमांड नहीं की, इतनी बढ़ चढ़ के जो है इसकी मांग नहीं की है। द लैक ऑफ कोहेरेंट पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर मस्ट श्योरली बी रिगार्डेड अमंग द मोस्ट रिमार्केबल फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है इसको जो है इंडिया को एक काफी ज्यादा रिमार्केबल फेलियर को अकाउंट करना चाहिए। ठीक है, कि इतना जो है पैथेटिक परफॉर्मेंस इंडिया का है और जो एग्रीकल्चर पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है इंडिया डेवलप नहीं कर पाया है। ठीक है, देन वही अगर हम बात करें तो फिर अगर दूसरे देशों में क्या स्थिति है तो वही बात है कि अगर हम अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में जो है आपकी हर 4 साल में जो है आपकी वो आती है एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी आपकी जो है आती है। ठीक है, और ये आपका स्टार्ट हुआ था पहली बार 1933 में जो आपका एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट जो आपका पास किया गया था। ठीक है, और वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर आपकी कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी आपकी 1962 में ही जो है आपकी जो है अडॉप्ट कर ली गई थी। लेकिन चलो हमने मान लिया कि इतना अच्छा जो है वहाँ पर मैकेनिज्म उन्होंने बना रखा है कि हर 4 साल में जो है अमेरिका में आपकी पॉलिसी आ जाती है, जो आपका एक्ट है वो आपका आ जाता है। लेकिन मैं ये सब मानता हूँ कि बेशक 4 साल में आप ला रहे हैं, ठीक है, जब तक वो पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, आप बेशक हर साल ले आइए हर साल, लेकिन अगर वो पॉलिसी आपकी अच्छी नहीं होगी तो कोई फायदा उसका होगा नहीं। ठीक है, आप बेशक पॉलिसी लाइए, आप बेशक 5 साल में एक बार ले आइए, 2 6 साल में एक बार ले आइए, लेकिन वो पॉलिसी ऐसी लाएं जो अच्छी हो। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो आपकी जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सर डील कर सके, उनको एड्रेस कर सके। ठीक है, उनको जो है सॉल्व कर सके। ठीक है, हर 4 साल में ले आओ, 3 साल में ले आओ, 2 साल में ले आओ और कम समय में ले आओ, लेकिन जब तक पॉलिसी अच्छी नहीं होगी ना उसको फायदा होगा नहीं। ठीक है, कोई जो उसका बेनिफिट होगा वो नहीं होगा। इशू ऑफ फार्म सब्सिडीज। ठीक है, तो फार्म सब्सिडीज की बात करते हैं। ये आपका ये वाला जो इशू है ना ये काफी न्यूज में रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो भारतीय देश है ना जो आपके अमेरिका हो गया जैसे, ठीक है, वो अपने किसानों को बहुत सब्सिडी देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो फार्मर्स हैं कहीं ना कहीं थोड़ा एक इनडिस्क्रिमिनेट कंपेरिजन जो है उनके बीच में हम करने लग जाते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में भी सब्सिडी नहीं दी जाती। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा अगर हमें उनके बराबरी करनी है तो। अबव डिस्कशन इज यूजफुल कॉन्टेक्चुअलाइजिंग इंडियाज फार्म सब्सिडीज द गवर्नमेंट डोल आउट इज द प्राइस दैट द कंट्री पेज फॉर द फेलियर ऑफ द पॉलिसी मेकर। ठीक है, तो अगर हम पॉलिसी अगर बना देते हैं तो कहीं ना कहीं सब्सिडी जो है देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो एक्सचेकर पर जो इतना बड़ा जो लोड पड़ता है, जो इतना बड़ा स्ट्रेस जो पड़ता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है उसको हम अवॉइड कर सकते थे। मैं सब्सिडीज हैव वर्चुअली बीन मेड द सर्वाइवल किट फॉर इंडियन फार्मर्स इज पॉसिबली योर नीड टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट डॉल आउट ऑल्सो बाई कंपेयरिंग इट विद द दोज ग्रांटेड बाई अदर कंट्रीज। ठीक है, तो इसका भी जो है मैग्नीट्यूड हमें मेजर करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे वो फिर से भैया दूसरे देशों के साथ हम इसका कंपेरिजन करके इसको करेंगे। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द WTO आर एक्सपेक्टेड टू नोटिफाई द एग्रीकल्चर सब्सिडीज एज पार्ट ऑफ देयर कमिटमेंट अंडर द एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जो आपका एग्रीमेंट ऑफ कल्चर जो साइन किया गया है आपका WTO में, उसके अंडर जो है आपके जो फार्मर्स हैं उनको, फार्मर्स जो आपकी कंट्रीज है उनको जो है अपनी सब्सिडीज जितनी वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको नोटिफाई करना पड़ता है, उसकी नोटिफिकेशन जो है देनी पड़ती है, तो वहाँ से जो है उसका कंपेरिजन जो है इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आपकी दी जाती है लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आपकी 56 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, 56 बिलियन डॉलर की सब्सिडी जो है दी जाती है। ठीक है, और इसमें जो आपकी 24.2 बिलियन डॉलर है मतलब 43%, ठीक है, वो आपका दिया जाता है लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स को। ठीक है, जो आपके लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स जो है आपके जो कैटेगरी है इनमें जो फार्मर्स आते हैं उनको जो है आपका 24.2 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, हाउएवर डेजिग्नेशन ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ फार्मर्स इज लेफ्ट टू इंडिविजुअल मेंबर्स। इंडिया हैज नोटिफाइड दैट 99.43% ऑफ इट्स फार्मर्स आर लो इनकम और रिसोर्स पुअर अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड इन 2015 एंड 16। ठीक है, देर आर फार्मर्स दीज आर फार्मर्स हुज होल्डिंग्स आर 10 हेक्टेयर और लेस। ठीक है, तो इंडिया के अगर हम डाटा की बात करें, डाटा के अकॉर्डिंग चलें तो इंडिया में आपके जो टोटल फार्मर्स हैं उनमें से 99.43% जो है आपके इस कैटेगरी के अंडर आते हैं।
ठीक है, ये जो आपकी कैटेगरी जो बना रखी है एओए में, ठीक है, लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स की, इनमें जो आपके इंडिया के जो फार्मर्स टोटल, उनमें से 99.43% फार्मर्स जो है इसी कैटेगरी में आते हैं इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक। ठीक है, तो इन फार्मर्स को देख लीजिए, 24.2 बिलियन डॉलर सॉरी, ठीक है, जो आपका सब्सिडी है वो दी गई है, और बचे हुए जितने आपके बच के 60.67%, ठीक है, उनको जो है बचा हुआ 57% इसका वो दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ठीक है, इतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है, इसको जो है जरूर रिलुक करना चाहिए इंडिया को। ठीक है, अगर ऐसा है तो रियलिटी में, ठीक है, और अगर एग्रीकल्चर सेंस की बात करें तो इंडिया में जो आपके फार्मर्स हैं, 99.43% जो आपके ये फार्मर्स हैं, ठीक है, इनके पास जो आपकी ज़मीन है ना, वो 10 हेक्टेयर से भी कम है, ठीक है, या तो 10 हेक्टेयर है या उससे भी कम, ठीक है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, एक एक इंच भी, ठीक है। देन आपका मतलब बताया गया है कि जो आपका अमेरिका है, अमेरिका में आपकी 131 बिलियन डॉलर की जो आपकी सब्सिडी है वो दी जाती है, वहीं ईयू में बात करें तो यूरोपियन यूनियन में आपकी 93 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी जाती है। देख लीजिए आप इंडिया जो कितना पीछे है इस मामले में। दस फॉर 2017 इंडिया फार्म सब्सिडीज वर 12.4% ऑफ एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन, वाइल फॉर द यूएस एंड ईयू द फिगर्स वर 19.90.8% एंड 45.3% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब जितने भी जो टोटल हमारे देश में जो एग्रीकल्चर की जो वैल्यू हुई थी, उसमें 12.4% जो था वो आपका सब्सिडीज से आया था, वहीं अगर अमेरिका की ईयू की बात करें तो वहाँ पर ये आपका नंबर था 90.8% और वहीं 45.3% ईयू में। ठीक है, तो मतलब देख लीजिए कि सब्सिडी का रोल कितना कम है हमारे देश में एग्रीकल्चर की वैल्यू में। ठीक है, वहीं कहीं ना कहीं जो है, और वहीं ये नंबर जो है आपका यूएस और यू में काफी ज्यादा है, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, देन दिस देन इज द रियलिटी ऑफ फार्म सब्सिडीज दैट इंडिया प्रोवाइड। ठीक है, तो ये आपकी रियलिटी थी फार्म सब्सिडीज की जो इंडिया में प्रोवाइड की जाती है, तो इसको जो है रीलुक करने की डेफिनेटली जरूरत है। ठीक है, अगर सब्सिडी देने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर जो है हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अगर हम लेकर आ जाएंगे ना, तो हमें सब्सिडी देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है हिमालयन मैनोवर्स। ठीक है, ये आपका है आर्टिकल रिलेटेड आपका है नेपाल से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका नेपाल में पता, आपको केपी शर्मा ओली जी ने आपको आपका जो पार्लियामेंट है उसको डिजोल्व करने की बात की, तो फ्रेश इलेक्शन की बात की कही कही थी। ठीक है, तो आपको पता है कि चाइना ने एक डेलीगेशन जो है अपना भेजा है, ठीक है, चाइना की तरफ से जो आपका एक डेलीगेशन है वो नेपाल में आ चुका है, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को बचाया जा सके, और जो स्प्लिट होने के बाद जो की जा रही है, ठीक है, आपको पता है दो फैक्शन थे ना, एक मिस्टर ओली का और एक मिस्टर प्रेसिडेंट का, ठीक है, पुष्प कमल दाहाल का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि स्प्लिट ना हो और जो है यूनिटी फिर से बनाई जा सके और सरकार को बचाया जा सके, लेकिन ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि ये जो है ऐसा नहीं होगा अब, और कहीं ना कहीं हमें फिर से फ्रेश इलेक्शन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब इस बात से हमें क्लियरिटी मिल गई है कि जितना इन्फ्लुएंस अब चाइना का बढ़ता जा रहा है नेपाल में, वो किसी और देश का उतना इन्फ्लुएंस है नहीं। ठीक है, कुछ दिनों पहले भी हमने न्यूज़ सुनी थी जिसमें आपकी जो चाइना की जो ब्रांड एम्बेसडर थी, ठीक है, सॉरी ब्रांड एम्बेसडर नहीं, चाइना की जो आपकी एम्बेसडर थी नेपाल में, ठीक है, वो जो है आपके उन्होंने इंटरफेयर किया था, तो उस वक्त भी जो है सरकार को बचाया गया था। ठीक है, ये आपके कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ था जबकि बात है। ठीक है, इसको जो ये जो एक्ट मिस्टर ओली ने किया, इसको क्या क्या जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कू इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी जो है इस बात को जो है अपना असेंट दे दिया, अपनी रजामंदी दे दी है कि फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, जो आपके केपी शर्मा ओली हैं वो अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने अभी जो कैबिनेट उसको रिशफल कर दिया। ठीक है, कुछ नए मिनिस्टर्स को उन्होंने जो है इंडक्ट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो चाइना ने तो इंटरफेयर कर लिया, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया, इंडिया ने साफ साफ कहा है कि वो उनके इंटरनल अफेयर्स में जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, वो जो है सारी डेवलपमेंट्स को नोट कर रहा है, लेकिन वो एक नेपाल का जो है इंटरनल अफेयर है। ठीक है, नेपाल इज अ सॉवरन कंट्री, वो जो है आसानी से जो अपने इंटरनल डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, हमें जो है इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इसको पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में ना बोलें। ठीक है, लेकिन भारतीय देश मानते नहीं है, वो जरूर इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में बोलते ही बोलते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है, क्योंकि इंडिया भी जो है सॉवरन कंट्री है, इंडिया इज ऑल्सो सॉवरन नेशन। ठीक है, और ये जो आपका हो रहा है ये आपका पहली बार नहीं हुआ है, 2016 में भी ऐसा हुआ था जब मिस्टर दाहाल ने जो है कोलिशन गवर्नमेंट छोड़ दी थी 2016 में। ठीक है, वहीं आपका अब जो फिर से हो गया ये। ठीक है, और आपको तो ये केस अब आपका सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी तक का टाइम दिया मिस्टर केपी शर्मा ओली को कि वो जो है अपने एक्शन को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, कि ये क्या हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है,
तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जो इंडिया ने जो किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम जो है इंडिया ने किया है, और चाइना तो एक अलग ही ट्रैक पे चल रहा है। द नेक्स्ट आपका आर्टिकल है स्ट्रोस इन द विंड्स इन साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक आपको पता होगा, ठीक है, काफ़ी फेमस है। अगर हम जाएँ अगर जो आपका है आपका सेंट्रल विस्टा की तरफ, तो साउथ ब्लॉक जो आपका होता है वहाँ पर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपकी लोकेटेड है, ठीक है। तो जो आपका ये टॉपिक है फिर आपका ये इंटरनेशनल रिलेशन से ही आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो इंटरनेशनल रिलेशन मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। द ग्रेविटी ऑफ द COVID-19 सिचुएशन विच हैज नॉट येट अबेटेड इम्पैक्ट ऑन द बॉर्डर विद चाइना, सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेवल, द अनसेटल्ड सिचुएशन इन द US, देन वही आपका जो बाइडन वाला, देन वही आपका जो गेम चेंजिंग डेवलपमेंट जो वेस्ट एशिया में हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी फॉरेन पॉलिसी के परस्पेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो आपका बॉर्डर पे जो हालत है, ठीक है, वहीं आपका जो कोरोना की वजह से जो सब कुछ हुआ है आपका, वहीं अमेरिका में जो आपका इलेक्टोरल रिजल्ट जो आपका आया है, और जो वहाँ पर अभी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो चल रहा है वहाँ पे, वहीं वेस्ट एशिया में इसराइल ईरान ये सब जो वहाँ पे हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये फॉरेन पॉलिसी के परस्पेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही बात हमने की है कि साउथ ब्लॉक से जो भी हमारे लिए डेवलपमेंट आती है, जो भी स्पीच या कोई रिपोर्ट आती है, उसको जो है हमें क्लोजली वॉच करना चाहिए, क्लोजली उसको मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। तो चाइना चैलेंज की बात करते हैं। चाइना चैलेंज में आपको बताया कि चाइना चाइनाज इंटरसिजेंस इज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन, द फ्रस्ट्रेशन ओवर द कंटिन्यूइंग ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी बट चाइना इज एविडेंट इन ऑल प्रोनाउंसमेंट्स एट ऑल लेवल्स, ठीक है। आपको पता है हमारा स्टैंड ऑफ पॉलिसी पे चल रहा है चाइना के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उससे जो है फ्रस्ट्रेशन हमें इंडियन कम्युनिटी देखने को मिल सकती है। हमारी जो प्रिपरेशन है, जो डिप्लॉयमेंट है, हमने भी जो है बराबर की कर दी है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हम काफ़ी कंफर्टेबल थे, ठीक है, चाइना को लेकर, क्योंकि जो है डोनाल्ड ट्रंप भी वो चाइना को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। उनकी जो पॉलिसी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एंटी चाइना थी, ठीक है, एंटी, वो भी चाइना को जो है सबक सिखाना चाहते थे, ठीक। लेकिन आपको पता है जो बाइडन जो है वो आने वाले हैं, तो जो बाइडन क्या करते हैं वो हमें देखने को हम जरूर देखेंगे उसको क्या होता है। लेकिन उम्मीद हमें यही है कि जो बाइडेन जो है वो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, वो भी जो है जो पॉलिसी अभी तक रही है अमेरिका के चाइना के अगेंस्ट में जो है वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन हम एडवांस में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो हम देखेंगे। देन इंडिया पेंडेमिक डिप्लोमेसी फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स फॉरन पॉलिसी, ठीक है। तो इंडिया की जो पेंडेमिक डिप्लोमेसी थी वो जो है हमारी फॉरन पॉलिसी में काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट एक स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि हमने जो है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ सप्लाईज जो की हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन चलाए हैं, ठीक है। हमने आपका आपको पता है मिशन सागर हमने चलाया था, ठीक है, जिसमें हमने आपके इंडियन ओशन रीजन के काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स को हमने इसको दिया था, ठीक है। हमने मेडिसिन, देन हमने मेडिकल डिवाइसेज जो यहाँ पर भेजे थे, ठीक है। वहीं हमने ग्लोबल कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा बाकी देशों के साथ मिलकर किया था इस मुश्किल हालातों में, ठीक है। वहीं हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल को बहुत सारे देशों को दिया था, अमेरिका को भी हमने दिया था, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है इंडिया इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है हमने बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया की मदद की, सहायता की, और इंटरनेशनल कोलेबोरेशन इनिशिएटिव को हमने बढ़ चढ़ के जो है उसको प्रमोट किया, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म को भी हमने हमेशा से सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे। देन इंडिया इज प्राउड ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। जो आपको पता है आपको कोरोना का जब पैंडेमिक आया तो पूरी दुनिया ने जो है अपने बॉर्डर सील कर दिए, लेकिन जो सिटीजन जो उनके वहाँ पे रह गए थे, जो उनके देश के नागरिक जो दूसरे देश में फंसे रह गए थे, तो इंडिया ने जो है उस कॉपरेशन में जो है अपना रोल प्ले किया, जो नेसेसरी लॉजिस्टिक्स थे उनको जो है प्रोवाइड किया, ठीक है। इंडिया ने ना सिर्फ अपने 2.5 मिलियन सिटीजन को जो है अपने देश में वापस लेकर आए इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, बल्कि जो हमारे देश में दूसरे देशों के जो नागरिक फंसे हुए थे, जिनका अगर हम टोटल करें तो वो आपका नंबर होता है 1,10,000 के आसपास, तो उनको भी जो है इंडिया ने जो है दूसरे देशों में उनके देशों में पहुंचाया, ठीक है। और हमने तो अपने दोस्त दूसरे देशों से हम लाए लाए थे, वंदे भारत मिशन हमारा था, समुद्र सेतु था, ठीक है। तो हम ना सिर्फ अपने लोगों को लेकर आए वापस, बल्कि जो यहाँ पर दूसरे देशों के नागरिक फंसे हुए थे हमने उनको भी जो है उनके स्थानों तक पहुँचाया, ठीक है। एंड एन इंक्रीजिंगली विजिबल इंटीग्रेशन ऑफ फॉरन एंड डिफेंस पॉलिसीज हैज अ न्यू डायमेंशन, ठीक है। फॉरन और डिफेंस पॉलिसीज में जो है हमारा नया इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिफेंस कोलेबोरेशन हमारा हमने हमारा अमेरिका के साथ जो है अपग्रेड हुआ, ठीक है। हमने बेका एग्रीमेंट पे साइन किया, ठीक है। ऑलरेडी हमने कॉमकास्ट और लेम वो साइन कर ही रखा है। देन हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन किया, ठीक है। आकाश मिसाइल मैं आगे बताऊंगा कल की न्यूज़, आकाश मिसाइल की जो हमने एक्सपोर्ट हम उसको करेंगे, ठीक है। वही राफेल हमारे विमान जो है आए, ठीक है।
तो ये सब जो है हमें देखने को मिला। वहीं म्यांमार और नेपाल में जो है हमारी डेलीगेशन गई, ठीक है। म्यांमार में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, देन फॉरन सेक्रेटरी ने हमारी विजिट की, जो हमारे हैं मिस्टर श्रृंगला, ठीक है। नेपाल में भी जो है विजिट की गई, और अब अभी हमारे जो आर्मी जनरल है MM नरवाने, ठीक है, वो आपके साउथ कोरिया की विजिट पे गए हुए हैं, उससे पहले वो UAE गए थे, ठीक है। तो ये सब आप जो है देख सकते हैं, ये सब कुछ आपका काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। तो वहीं ऐसे भी आपकी कुछ सवाल उठे कि जो इंडिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन से दूर होना चाहता है क्योंकि उन्होंने RCEP को साइन नहीं किया, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को साइन नहीं किया, ठीक है। तो इसको लेके जो एक सेपरेट वीडियो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अवेलेबल है, RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के इंडिया के क्या कंसर्न थे जो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, ठीक है, क्या ये था। तो इसको इसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जो है इसको जाके जो है देख सकते हैं, ठीक है। देन इट हैज बिन स्टेटेड ऑफिशियली दैट ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव रिजल्टेड इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सर्टेन सेक्टर्स, ठीक है। तो आपके जो एस जयशंकर है उनका स्टेटमेंट आया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारे देश में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमने देखने को मिला है, ठीक है। तो फिर से जो आपका ये व्यू था कि इंडिया जो है प्रोटेक्शनिस्ट होना चाहता है, ठीक है, वो बढ़ गया था। देन हमारा आत्मनिर्भर जो हमारा प्लान आया था सेल्फ रिलायंट इंडिया का, ठीक है, फिर जो है ये आपकी एम्प्रिहेंशन जो पूरी दुनिया में थे ये और ज़्यादा उसको जो है स्ट्रेंथ मिल गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये आत्मनिर्भर पॉलिसी जो है, जो आपकी सेल्फ रिलायंट जो इंडिया है, वो आपकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉलिसी है जिसके थ्रू इंडिया अपने आप को एक सप्लाई चेन रेजिलियंट देश बनाना चाहता है, ठीक है, ताकि उसकी सप्लाई चेन ऐसी हो जो सारी डिस्ट्रप्शन को विदस्टैंड कर सकें, ठीक है, वो रेजिलियंट हो, ठीक है। देन हम अगर क्रिटिसिज्म के इंटोलरेंस की बात करें कि हमारे देश में हमें अभी क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में इंटोलरेंस भी हमें देखने को मिली, ठीक है। तो अगर कोई हमें कोई इंटरनेशनल कंट्री अगर हमें क्रिटिसाइज करती है तो हम क्या करते हैं, कोई देश क्या करता है, वो उस पर सेंक्शन लगा देता है, ट्रेड सेंक्शन, है ना, उसकी गवर्नमेंट को रिकोगनाइज करने से मना कर देता है, ठीक है, और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उसको एक्सपेल करवा देता है, ठीक है, ऐसा कुछ करवा देते हैं। तो हमारे देश में भी जो है हमने ऐसी 2 बार इसको जो है प्रोटेस्ट किया, ठीक है, हमने भी जो है अपने तरीके से जो है इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जो हमारा हुआ किसी टॉपिक को लेके हमने जो है उससे डील किया। वो कैसे किया मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसे 2 इशू आपके हुए, 2 आपके बार ऐसा हुआ, ठीक है। पहली बार कब हुआ, जब मिस्टर जयशंकर ने जो है आपके जो डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमन थे प्रमिला जयपाल, उनसे मिलने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने जो है कश्मीर इशू को लेके जो है उसका क्रिटिसिज्म किया था, ठीक है। आपको पता कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और वो हमारा डोमेस्टिक इशू है, ठीक है, वो हमारा इंटरनल मैटर है। तो कहीं ना कहीं किसी को हक नहीं है कि वो जो है कमेंट करे उस बात पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इशू है कश्मीर, आपको सबको पता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इस एक्ट को मैंने पर्सनली सपोर्ट किया, ठीक है, क्योंकि कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है, उसके ऊपर आप ना बोलें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और इंडिया ने काफ़ी बार लोगों को बोला भी है कि आप ना बोलें कृपया करके, क्योंकि ये जो है ये हमारा इंटरनल इशू है, इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। वहीं जो आपका सेकंड जो आपका हुआ केस, वो आपका हुआ कनाडा से, जैसे आपको पता है हमारे जो फार्मर्स थे, जो हमारे किसान है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सिंगू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर पे वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो आपके कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है स्टेटमेंट दिया था इस बारे में। तो कहीं ना कहीं उससे इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, इंडिया ने जो है उनका भी क्रिटिसिज्म किया कि ये जो आपने जो बोला ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, और ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में एक इंटरफेरेंस है, उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहीं ना उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो इंडिया के और कनाडा के रिलेशन खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 बार ऐसा हुआ तो जो है हमें इंटॉलरेंस देखने को मिली इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म से, ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की, तो उन्होंने जो है एक डिप्लोमेटिक अप्रोच दिखाई, ठीक है, उन्होंने जो है काफ़ी अच्छे ढंग से जो है इस फार्मर वाले इशू को जो है अच्छे से ढंग से रखा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी आपकी ये मांग उठाई गई थी, वहाँ पे जो आपके MPs हैं उन्होंने भी डोमिनिक राफ को कहा था कि आप क्या कीजिए, आप अपने काउंटर पार्ट जो आपके जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप उनके सामने ये बात उठाइए किसानों वाली, ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि बहुत प्यारे ढंग से उन्होंने ये बात रखी कि जो आपकी सिख पॉलिटिक्स है ना, वो आपकी यूके पॉलिटिक्स की अब पार्ट बन चुका है, तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमें यूके की पॉलिटिक्स पे देखने को मिल सकता है। तो इतने प्यारे ढंग से उन्होंने अपनी बात कही, ठीक है, जिस बात को लेकर जो इंडिया गुस्सा भी नहीं हुआ, और उन्होंने अपनी बात भी रख दी, ठीक है। तो अब राइटर जी का कहना है, एट अ टाइम वेन देर इज सम क्रिटिसिज्म फॉर द इन्विटेशन एक्सटेंडेड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड, नीदर साइड वॉन्ट्स टू रॉक द बोट, इंडियाज पॉलिसी इज टू बी सपोर्टिव ऑफ आवर डायस्पोरा अब्रॉड एंड वी कुड हैव बीन टॉलरेंट ऑफ सच क्रिटिसिज्म अब्रॉड, ठीक है। तो
डॉक्टर जी का कहना है कि जो क्रिटिसिज्म आपके हो रहे हैं, ठीक है, इनको जो है टॉलरेट करना चाहिए था, हमें इनको सहन कर लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमें सहन करना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। तो अगर बाहर से कोई ऐसा इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेगा, कोई कुछ बताने की कोशिश करेगा, कोई इंटरनेशनल फोरा पे कुछ सेंसिटिव इशूज को उठाएगा, ठीक है, तो ये बात कहीं से भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, कहीं से भी ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इंडिया को जो है डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी के इंटरनल अफेयर्स में नहीं बोलते तो वो कोई कोई और देश भी हमारे हमारे इंटरनल अफेयर्स में ना बोले, ठीक है, तो दोनों के हित में रहेगा, ठीक है। किसी रेटोरिक में पड़ के अपने संबंधों को खराब करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है कुछ आपके कुछ बिल्स आए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, कि क्या जो है आपका प्रोप को कंप्लीट करने के लिए क्या जो है आपका आइडियल एक टाइम फ्रेक हो टाइम टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो बात करते हैं आंध्र प्रदेश में दिशा बिल पास हुआ था उसको लेके, फिर आपके महाराष्ट्र में भी एक बिल पास किया गया जिसका नाम है महाराष्ट्र शक्ति एक्ट 2020, ठीक है, तो दो आपके एक्ट हो गए, ठीक है। तो इसमें आपका क्या किया गया था कि 15 डेज में जो आपकी इन्वेस्टिगेशन जो आपकी सेक्सुअल असोल्ट की कंप्लीट करना है, ठीक है, तो इसमें आपको ये सब कहा गया था। तो आपका जो दिशा एक्ट था, ठीक है, दिशा एक्ट आपका आंध्र प्रदेश वाला है, दिशा मैंडेटेड कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 7 वर्किंग डेज फॉर हीनियस ऑफेंसेस सच एज हैरेसमेंट ऑफ वुमन, सेक्सुअल असोल्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड रेप, ठीक है। तो दिशा एक्ट में आपका ये बोला गया था, जो आपका दिशा बिल था उसमें ये बोला गया था कि जो आपके हीनियस क्राइम्स होंगे उनको जो है आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आपके पास एडुकेट कंक्लूसिव एविडेंस है, ठीक है, तो आपको 7 डेज 7 वर्किंग डेज में जो आपको है इनको कंट्रोल इनको कंप्लीट करना पड़ेगा पूरी इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है। लेकिन आपका जो ये है ना एजुकेट कंक्लूसिव एविडेंस जो आपका फ्रेज है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ये प्रॉब्लम इंडिया के बिल्स में हमेशा आती है, इंडिया के जो लॉज है उनमें हमेशा आते हैं कि आपने प्रोविजन तो डाल दिया लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया, उसको इंटरप्रेट नहीं किया, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहती है कि इसकी इंटरप्रिटेशन है वो कैसे की जाएगी, ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम रहती है एक, ठीक है। देन आपका टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन, टू ग्रूसम केसेस ऑफ सेक्सुअल असोल्ट एंड मर्डर आर इम्पोर्टेंट टू मेंशन, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दो केसों की बात की, एक आपका है निर्भया केस जो आपको दिल्ली में हुआ था 2012 में, ठीक है, देन आपका एक आपका हाथरस वाला जो आपका भी कुछ महीनों पहले की जो बात है, ठीक है। निर्भया केस में जो हुआ आपका, ठीक है, वो ये हुआ कि कोई भी मौका छोड़ा नहीं गया किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, ठीक है, जो आपकी चार्जशीट है वो जल्दी जल्दी फाइल की गई, क्योंकि जो आपका पब्लिक आउटरेज था ना वो काफी ज्यादा था इस वाले केस में, तो जो आपका पब्लिक आउटरेज था वो काफी ज्यादा था, ठीक है। वहीं अगर हम हाथरस की बात करें तो ये पब्लिक आउटरीच यहाँ पर भी था, लेकिन पब्लिक आउटरीच आपका कब हुआ, जब आपका क्राइम ऑलरेडी कमिट हो चुका था, जब ये बात है पब्लिक डोमेन में आई, ठीक है, 90 दिन के बाद जो है पब्लिक पुलिस ने जो है चार्जशीट फाइल की, ठीक है, बहुत दिनों तक तो लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई केस हुआ है, ठीक है। तो पब्लिक जब पता लगा तो पब्लिक आउटरीच इसका काफी ज्यादा हुआ बड़े लेवल पे, कुछ हमें अरेस्ट भी देखने को मिले, ठीक है, वहां पर आपकी सेक्शन 144 भी जो है इम्पोज की गई, ठीक है, तो यही सब हमें देखने को मिला। वहीं हम सीआरपीसी की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है कि आपका कोई ऑफेंस है जिसमें आपकी 10 साल तक की आपको सजा हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको 60 दिनों में 60 डेज में आपको कंप्लीट करनी है, मतलब 2 महीने में आपको कंप्लीट करनी है। और वहीं आपका जो हीनियस क्राइम है, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो सजा है वो काफी हाई हो सकती है, ठीक है, तो उसको आपको 90 डेज में कंप्लीट करना है। इसमें आपका अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, 2018 में, ठीक है, और ये 90 डेज का जो आपका प्रोविजन है इसको इसको कट करके इसको नीचे ला के आपका 60 डेज कर दिया गया था यहाँ पर भी, ठीक है, इसको काट के 60 डेज जो है वो कर दिया गया था, ठीक है। तो अब आपका सब कुछ बता दिया कि हाँ भाई जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन जो आपके राइटर्स हैं उन्होंने जो है कुछ आपको फैक्टर्स गिनवाए हैं कि किसी केस की इन्वेस्टिगेशन क्या क्या फैक्टर्स जो है आपका रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके कौन कौन से होंगे, इसमें आपके होंगे इन्वेस्टिगेशन बाय आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, फोरेंसिक एक्सपर्ट, रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम, ठीक है, विक्टिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना, देन विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, क्योंकि अगर रेप होता है तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्यूज पर्सन की मेडिकल एग्जामिनेशन करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, क्योंकि अगर एज भी है एक फैक्टर, ठीक है, मान लीजिए किसी माइनर का अगर रेप हुआ है या फिर कोई ऐसा रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि माइनर का रेप हुआ है, ठीक है, तो उसमें एज को वेरीफाई करना भी एक प्रोसीजर रहता है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको कलेक्ट करना होता है, ठीक है, ठीक है, पेरेंट्स से, स्कूल से, लोकल बॉडी एक्सेट्रा से, ठीक है, देन आपका डीएनए फाइंडिंग ऑफ द फोरेंसिक फोरेंसिक साइंस लैब, ठीक है, एफएसएल रिपोर्ट आपकी, देन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेट ऑफ एक्यूज पर्सन, ठीक है, देन सीजिंग वेपन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, तो ये सारी बातें जो आपकी है ये आपके फैक्टर्स आपकी जुड़े रहते हैं,
ठीक है, तो एक इन्वेस्टिगेशन की स्पीड जो है इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात जो है बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली है। ठीक है, इन फैक्टर्स पे जो आपकी आपकी जो चीज़ है वो आपकी डिपेंड रहती है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन जो स्पीड है वो डिपेंड रहती है। ठीक है, तो अब उनका कहना है कि जो आपके विक्टिम्स रहते हैं ना, वो विक्टिम्स जो है ट्रोमा में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा क्राइम, इतना जो है ख़राब सामान उन्होंने देखा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो है ट्रोमा में रहते हैं। द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर अ पुलिस स्टेशन हैज सेपरेट यूनिट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर, विच इज ऑल्सो अ लॉन्ग पेंडिंग पुलिस रिफॉर्म अवेटिंग कंप्लायंस ऑफ एपेक्स डायरेक्टिव। ठीक है, तो उन्होंने जो है बताया है कि अवेलेबल आईओ जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनके अवेलेबिलिटी पे भी आपका सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, जो आपके वुमेन पुलिस ऑफिसर हैं उन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जो जो आपके एफएसएल हैं, ठीक है, जो आपके डीएनए यूनिट है, ठीक है, उन पर भी डिपेंड करता है, उनकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उनका ये कहना है, लास्ट में कंक्लूड कैसे किया उन्होंने, ये कहा है कि अगर हम ऐसे प्रोविजन बना देंगे जिसमें जल्दी से जल्दी ट्रायल करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जिसमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे पूरे पूरे चांसेस हैं कि प्रोसीजरल लूप होल्स निकल कर आ सकते हैं, और जो आपका जो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, जो आपका ट्रायल होगा, वो कहीं ना कहीं फेयर नहीं रहेगा, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि आप अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस को फिक्स करने से ज्यादा आप एक काम करें, आप पुलिस को एडिशनल रिसोर्सेज दे दें। ठीक है, जिससे कि ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि आप सिर्फ रिसोर्स दे दो, आपका फिर जो काम है वो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों को जो है हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें दोनों को जो है हमें जो है कोऑपरेशन के साथ इनको करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के बीच में हमें एक लिंक सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, हमें टाइमिंग तो हमें रखनी पड़ेगी, कि लीगल बैकिंग हमें रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें जो है रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्योंकि हो सकता है कि अगर मान लीजिए रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पता है पुलिस में भी करप्शन होता है। ठीक है, आपको पता है कि पुलिस में करप्शन होता है। ठीक है, तो ऐसी गारंटी नहीं है कि जो उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल है वो पुलिस फोर्स करे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गारंटी को इंश्योर करने के लिए हमें जो है लीगल बैकिंग जो हमें देनी चाहिए, हमें जो एक्ट्स हैं उनको हमें डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा मानना है पर्सनली। ठीक है, देन गवर्नमेंट नोट परमिशन इन एस्टोनिया, पेरोग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, जो आपकी गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला लिया है कि वो एस्टोनिया, पेरोग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में जो है अपने मिशन को सेटअप करेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से जो इंडिया के जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और जो उनके पोलिटिकल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इन देशों के साथ डेवलप होंगे। ठीक है, जब आप मैप में देख लीजिए, मैप में अगर हम बात करें तो ये आपका एस्टोनिया है, ये आपका यूरोप में आता है। ठीक है, ऊपर आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड या बाल्टिक सी। ठीक है, यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, ये सब आप जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखें। ठीक है, इसके नेबर्स का भी याद रखें, आपका लेटविया की बाउंड्री है, देन आपका यहाँ पे रशिया की बाउंड्री है। ठीक है, तो ये सब जो है इसको याद रखें। इसकी कैपिटल आपकी है तल्लिन। ठीक है, तो इसको आप जरूर डेफिनेटली याद रखें। ठीक है, देन आपका जो पेरुग्वे है, पेरुग्वे आपका आता है लेटिन अमेरिका में, मतलब साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखें, ये आपकी बाउंड्री है बोलीविया की। देन आपका यहाँ पे अर्जेंटीना, यहाँ पे आपका ब्राजील, और यहाँ पे भी आपका ब्राजील जो है आता है। ठीक है, तो ये आपका पेरुग्वे है। ठीक है, इसको भी जो आप डेफिनेटली याद रखें। ठीक है, देन आपका डोमिनिकन रिपब्लिक, ये आपका कैरिबियन आइलैंड का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका कैरिबियन सी है, ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ठीक है, ये आपका डोमिनिकन रिपब्लिक है पूरा। ठीक है, यहाँ पे आपकी हेती की इसी से बाउंड्री लगती है, कैपिटल इसकी है सेंटो डोमिंगो। ठीक है, सांटो डोमिंगो जो भी है, ये प्रोनाउंसिएशन आई थिंक ना कर रहा हूँ मैं शायद सही। ठीक है, सांटो डोमिनिको भी उसको बोल सकते हैं, डोमिंगो। ठीक है, देन कैबिनेट गिव्स अप्रूवल फॉर आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट, जबकि आकाश आपकी मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको अप्रूवल दे दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने जो है इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, तो इसको जो है कल इसके अप्रूवल इसको मिल गया है, जो कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट का प्लान था डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने का, प्रमोट करने का। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको बूस्ट इससे जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका कोस्टल सर्विलियंस सिस्टम है, और आपके रेडार्स हैं, एयर प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, इनको भी जो है पूरी पूरी बूस्ट मिलने की हमें उम्मीद है, और इनमें भी जो है इंटरेस्ट आपका दिखाया गया है। ठीक है, तो दिस कमिटी वुड ऑथराइज सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ मेजर इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स टू वेरियस कंट्रीज, इट वुड ऑल्सो एक्सप्लोर वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट। ठीक है, तो इसमें जो आपके मेजर इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी जो है अप्रूवल मिलने की पूरी पूरी हमें उम्मीद है, उनको भी अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो गाजा की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट से जो है उनका हम एक्सपोर्ट जो है दूसरे देशों में कर सकें। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है एक काफी बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की जो है राह पर चल पड़ा है। ठीक है, इंडिया जो है खुद तो सेल्फ रिलायंट बनना चाहता ही चाहता है, साथ में जो है पूरे देशों जो आपके बाहर के जो देश हैं उनके भी जो नीड है उनको फुलफिल करना चाहता है। ठीक
ठीक है। देन अगर हम आपकी बाकी के न्यूज़ की बात करें तो यूके अप्रूव्स ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, ठीक है। तो अब जब आपका यूके में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को आपका अप्रूवल मिल गया है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की आपकी वैक्सीन थी ना कोविशील्ड, ठीक है, जो कि SII भी हमारे देश में मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, जब उसको अप्रूवल मिल गया है तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि इंडिया में जो है जल्दी से जल्दी इसको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, शायद एक दो दिन में हम देख सकते हैं कि इंडिया में अप्रूवल इसको मिल जाए, ठीक है। देन 14 मोर पेशेंट्स टेस्ट पॉजिटिव फॉर न्यू वेरियंट ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। कल हमने देखा था कि कल जो है आपके 6 पेशेंट्स मिले थे हमें न्यू वेरियंट के, ठीक है, जिनमें हमें न्यू वेरियंट हमें देखने को मिला था कोरोना वायरस का, ठीक है। लेकिन अब वो आपके 14 हमें और मिल गए हैं, तो मतलब आपका वो नंबर बढ़ के 20 हो चुका है, ठीक है। देन आपका एक्स सिविल सर्वेंस राइट टू आदित्यनाथ कॉल फॉर रिपील ऑफ कन्वर्जन लॉ। आपको पता है कि यूपी में आपका एक लॉ पास किया गया था, ठीक है, जिसमें इंटरफेथ मैरिज को मोस्टली रोकने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आपके जो एक्स सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है आदित्यनाथ जी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है इस लॉ को रिपील कर लीजिए, इसको जो है हटा लीजिए। देन CCEA नोड फॉर 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ठीक है, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनको है नोड जो है दिया गया है, ठीक है। देन सेंटर एक्सटेंड्स लास्ट डेट टू फाइल टैक्स रिटर्न, जो आपकी डेट थी फाइनल वो आपकी 31 दिसंबर की थी, मतलब आज आखिरी डेट होती अगर सेंटर उसको एक्सटेंड नहीं करता तो ITR फाइल करने के लिए, लेकिन उसको जो है उस डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। देन आपका करंट अकाउंट सरप्लस जो आपका Q2 का रहा है वो थोड़ा घट गया है, ठीक है, पहले ही आपका 19 बिलियन डॉलर के आसपास था, लेकिन अब घट के आपका 15.5 बिलियन डॉलर आपका हो चुका है, ठीक है। सरप्लस अभी भी है, लेकिन पहले के मुकाबले अगर हम देखें, पिछले Q1 के मुकाबले अगर हम देखें, तो उसमें हमें 4 बिलियन डॉलर के आसपास हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, ठीक है। तो यही था वैसे आजकल आपके न्यूज पेपर में, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, आपको पूरा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वंस अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेल विशेज फ्रॉम द एंटायर अचीव IAS टीम, ठीक है, ऑफ न्यू ईयर ईव। तो हम यही आपसे कहेंगे कि आप जो है इसको मेमोरेबल बनाइए, इस डे को आप मेमोरेबल बनाइए, ठीक है, ताकि जो पूरा साल आपका एक एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हो, ठीक है। और डेफिनेटली हम यही विश करेंगे कि नया साल आपके लिए नई नई खुशियाँ और नई नई सक्सेस लेकर आए, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अचीव IAS एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।